पहुंचा मैं डिग्री कॉलेज के पास, ये रहा पुलवामा का डिग्री कॉलेज, अंदर से आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए कितनी खूबसूरत है ना, और बहुत बड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। अभी टाइम आया है ऑलमोस्ट 7 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो नमाज हमने अदा कर ली, फजर नमाज। तो अब मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, असाइनमेंट सबमिट करने हैं आज। आज लास्ट डेट है इग्नोम में, मैं भी ये कर रहा हूँ उर्दू में, तो उनके असाइनमेंट अभी मैंने सबमिट नहीं किए हैं। तो ये देखिए मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ अभी, तो अभी एक सवाल मुझे लिखना बाकी है, तो ये लिखते हैं, तो फिर जाते हैं पुलवामा डिग्री कॉलेज और इनको सबमिट करते हैं, ठीक है ना। तो बने रहे आप भी हमारे साथ, व्लॉग को एंजॉय कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार बरसाए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए व्लॉग को, ठीक है। मिलते हैं आपसे जब निकलते हैं कॉलेज की ओर, ठीक है। तो भाई लोग, पहुंचा मैं न्यू थीर। मैं जब रूम से निकला तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैं जल्दी में निकला और मुझे याद भी नहीं रहा। जब मैं फिर सड़क पे पहुंचा तो गाड़ी उधर से आई, तो मैं गाड़ी में चढ़ा तो फिर मौका नहीं आया वीडियो शूट करने को। तो मुझे आज असाइनमेंट सबमिट करने हैं, आज लास्ट डेट है, आज संडे है। मैं इग्नो थ्रू BA चल रहा है, इसीलिए मुझे असाइनमेंट आज ज़रूरी सबमिट करने हैं। तो अब जाएंगे लाल चौक तक पहले। तो ये रही लाल चौक की गाड़ी, अभी मैं हूँ न्यू थीर में, ये न्यू थीर का अड्डा है। तो जाएंगे, इस गाड़ी में चढ़ेंगे और जाएंगे घर। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। सुन लो कि यही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और पैरवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और उन्हें मोहलत दिए जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। तो भाई लोग, पहुंच गया मैं डल गेट। तो अब जाएंगे बाईपास तक उस गाड़ी में, वो गाड़ी लगी हुई है तो इसी में चढ़ेंगे बाईपास तक। तो वहां पर फिर पुलवामा डायरेक्ट गाड़ी निकलती है। तो आज यहां पर किसी को आना है तो इसलिए सिक्योरिटी ना बहुत टाइट है। तो अब जाते हैं, पहले बाईपास पहुंचते हैं फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो भाई लोग पहुंचा मैं बाईपास से, पंता जो पुलवामा की गाड़ी ये है, तो चढ़ेंगे पुलवामा की गाड़ी, बीच की सीट पकड़ेंगे वरना फिर हो जाएगा मसला। तो भाई लोग, पहुंच गया मैं पुलवामा अपने होम टाउन। तो अब जाता हूँ मैं पहले दुकान पर, तो उसके बाद जाते हैं घर, क्योंकि मुझे एक असाइनमेंट घर में है, वरना मैं यहीं से कॉलेज जाता। तो वहाँ से मैं फिर बाइक पे आऊँगा, क्योंकि बाइक घर में है पापा की, तो उसी पर आएंगे और फिर जाएंगे कॉलेज, क्योंकि यहाँ से ना मोहन चौक से कॉलेज ना बहुत दूर है, तो पैदल जाना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं, वो टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए पहले घर जाते हैं, वहाँ से बाइक पे आते हैं, और एक असाइनमेंट मुझे घर में ही है तो वो भी लाते हैं और फिर जाते हैं कॉलेज, ठीक है ना। फिर आपको कॉलेज दिखाएंगे, चलिए मिलते हैं अब आपको सीधे घर में, ठीक है ना, क्योंकि फ़ोन मुझे यहाँ से डाउन है 2%। तो भाई लोग, घर में पहुंच गया, खाना भी मैंने खा लिया, शुक्र है खुदा का। तो अब मैं वापस जाऊंगा बाइक पे, ये रही बाइक पापा की, तो इसी पे जाएंगे वापस घर। और वो रहा हमारा ऑटो, ऑटो हमने नया लाया है, तो इसको फिर से दिखाएंगे आपको बाद में, तो फिर बोलूँगा कि क्या करना है, ठीक है ना। तो आपका सपोर्ट चाहिए इसमें भी। तो अब जाएँगे, मुझे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, अभी 2 बज गए तो जल्दी से जाएँगे, फिर आपसे मिलते हैं वहीं पुलवामा में, ठीक है ना, डिग्री कॉलेज में, ओके चलो। तो भाई लोग, पहुंचा मैं डिग्री कॉलेज के पास, ये रहा पुलवामा का डिग्री कॉलेज, अंदर से आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ा कॉलेज है, तो जाते हैं अंदर, मुझे असाइनमेंट जो है सबमिट करने हैं। सुबह कही थी बोला ईशा। तो जाते हैं अंदर, ये रहा मेन गेट डिग्री कॉलेज का पुलवामा, ये देखिए आप, ब्यूटीफुल है, ये देखिए अंदर से, ये रहा ग्राउंड डिग्री कॉलेज का, यहाँ पर खेलते हैं वगैरह हैं। मैं पहले मालूम करूँगा कि कहाँ पर मुझे भरने हैं असाइनमेंट, ठीक है ना। चलिए, तो भाई लोग ये देखिए आप, डिग्री कॉलेज का जो ग्राउंड है कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। तो अब जाएंगे उधर, देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, और आपको भी दिखाएंगे कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए निकलते हैं, ये देखिए, ये रहा मिनी ऑडिटोरियम की एक बिल्डिंग, और वो रहा वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। तो बहुत ही खूबसूरत ही कॉलेज है पुलवामा का, और बहुत ही बड़ा है, देखिए यहाँ से ना बहुत ज़बरदस्त जो ग्राउंड है ना, बहुत ज़बरदस्त है ना। तो जाते हैं वहाँ आगे, वहाँ देखते हैं क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो भाई लोग ये देखिए, ये रहा जूलॉजी
केमिस्ट्री और बॉटनी ब्लॉक, ये साइंस ब्लॉक है ये बिल्डिंग। देखिए कितनी खूबसूरत है ना, और बहुत बड़ी है। तो ये रही एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की बिल्डिंग, और यहाँ से रही बसेस कॉलेज की, और यहाँ से देखते हैं क्या है। और ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो वाली बिल्डिंग ना बहुत ज़बरदस्त है साइंस ब्लॉक की। अब यहाँ से देखते हैं क्या है। तो यहाँ से भी देखिए वो नई बिल्डिंग, दिखाता हूँ मैं आपको, वो ज़बरदस्त है। ये रही और एक बिल्डिंग, और ये देखिए वाह, वो देखिए वो बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये ना, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए ये बिल्डिंग ना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी है ना। तो वहाँ से और एक है, और ये वाली भी है। ये ना डिग्री कॉलेज ये जो पुलवामा का है ना, ये बहुत बड़ा है। और वहाँ से और एक बिल्डिंग है, एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ। ये डिग्री कॉलेज ना पुलवामा का बहुत बड़ा है ना। अब देखिए कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, मैं दिखाऊँगा। और नई बिल्डिंग, नई बिल्डिंग भी यहाँ पर बनती है, देखिए आप, मैं दिखाऊँगा आपको। वो देखिए वो नई बिल्डिंग बन रही है, उसके पीछे और एक बिल्डिंग है, ये और एक बिल्डिंग है, एक दो तीन चार बिल्डिंग, और देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ना। और ये पांचवी बिल्डिंग, उधर से और एक, उधर से और एक, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, है ना, बहुत बढ़िया। वाह, ये देखिए आप, वहाँ से वो नई बिल्डिंग बन रही है, और यहाँ से और एक बिल्डिंग है, ये भी बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है ये, आगे इससे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए है ना, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। तो ये रहा पुलवामा का डिग्री कॉलेज, ये बिल्डिंग देखिए आप, तो बहुत ज़बरदस्त, तो बहुत बढ़िया। देखा कितना बड़ा कॉलेज है पुलवामा में। ये रहा पुलवामा बॉयज़ डिग्री कॉलेज, और वुमेन्स डिग्री कॉलेज अलग है, वो भी मैं आपको दिखाता, लेकिन वो उस साइड से हैं, बहुत दूर हैं, तो वो भी किसी दिन दिखाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़बरदस्त, निकलते हैं वापस घर की ओर। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके भाई लोग, कॉलेज से जब हम घर आए तो अब शाम का वक्त हो गया, शाम नमाज पढ़ के आए, तो अब हम खाएंगे, तो अब हम बारबेक्यूज़ खाएंगे। तो इनको बहुत मज़ा होता है, राजपुरा की जो बारबेक्यूज़ है ना, राजपुरा की जो ये बारबेक्यूज़ है ना, तो बहुत मज़ा है इनको खाने में, बहुत ही ज़बरदस्त खाते हैं, तो खाते हैं, कहते हैं इनका टेस्ट बहुत मज़ा है इनको। तो बैठे आप, तब तक आप की ना, तब तक के गई होती की ना, तो भाई लोग, डिग्री कॉलेज से जब वापस आए तो फिर आपने देखा ही होगा कि हमने बारबेक्यूज़ फिर खाए, तो बहुत मज़ा आया उनको, क्योंकि राजपुरा के बारबेक्यूज़ बहुत ही फेमस हैं, लिटरली बहुत ही अच्छा बनाता है वो। तो फिर खाना वाना वगैरह खाया, तो अब सोने लगा हूँ मैं, और करते हैं इस प्यारे से व्लॉग को यहीं पे हम। अब मैं इस व्लॉग की ना एडिटिंग करूँगा, तो अगर आपको व्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको व्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी लव यू ऑल, मिलते हैं अगले किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।